किसानों को रोकने के लिए पूरी तरह से कंक्रीट दीवारें खड़ी की गई हैं, पिलर्स खड़े किए गए हैं, और इस तरह से यानी कि जिस तरह से शंभू बॉर्डर पर और ट्यूकर बॉर्डर पर नुकीली कीले लगाई गई हैं, इस तरह से किसानों के लिए पूरी तरह से रोकने के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। और हरियाणा पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि अगर किसी को कोई जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। बाकायदा जो बराड़ा रोड है वहां से रूट को डाइवर्ट किया गया है, और SP कुरुक्षेत्र ने रात को भी जायजा लिया, DC कुरुक्षेत्र ने मौके के हालातों का जायजा लिया है, और किसान आज शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं। भारी संख्या में वहां पर महिलाएं पहुंच चुकी हैं और कह रही हैं कि अब मोर्चा हम संभालेंगे, यानी कि महिलाओं के हाथ में मोर्चा चला गया है, और महिलाएं कह रही हैं कि हर हाल में दिल्ली कूच करेंगे, क्योंकि कल का जो हुआ सबने देखा किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए और कई किसान घायल हुए तो कई पुलिस वाले भी वहां घायल हुए, मगर एक ही बात, एक ही जिद कि हर हाल में दिल्ली कूच करेंगे। सीमाओं को सील किया गया है, बॉर्डर्स को सील किया गया है ताकि परिंदा पर ना मार सके, क्योंकि लगातार किसान कह रहे हैं कि वो हर हाल में दिल्ली कूच करेंगे। आज किसान आंदोलन का दूसरा दिन है, तमाम जो हरियाणा पंजाब की सीमाएं हैं यानी कि बॉर्डर्स हैं उनको सील कर दिया गया है, ताकि किसान पंजाब से होते हुए ये दूसरा स्थान है शाहबाद, यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से रोकने की कोशिश की जाएगी किसानों को, और इसके बाद यानी कि करनाल के पास भी इसी तरह से दीवारें खड़ी गई हैं, कंक्रीट की दीवारें खड़ी गई हैं, नुकीली कीले लगाई गई हैं, और वहां पर भी किसानों को रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब ये देखने वाला वक्त बताएगा क्या आज किसान दिल्ली कूच कर पाते हैं या नहीं। अशोक यादव, दिल्ली अमृतसर हाईवे।